नमस्कार, स्वागत आप सभी का वेदर अपडेट के अंदर। और चर्चा करेंगे हम यहाँ पर आज के मौसम के हाल की। तो आपको बता दें कि दिल्ली NCR में गर्मी लगातार सितम ढा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दिल्ली में शनिवार को लू चलने की संभावना भी जताई है। यह सिलसिला रविवार तक ऐसे ही जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मौसम शुष्क बना हुआ है और तेज धूप निकलने की वजह से गर्म हवाएं चल रही हैं और ऐसे में लू की स्थिति बन रही है। आपको बता दें कि इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। 16 मई से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद मौसम में बदलाव होगा और आसमान में हल्के बादल दिख सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में हीट वेव के प्रकोप से राहत जारी रही थी। आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 28.1 और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। हवा में नमी का स्तर 35 से 62% तक रहा था। वहीं आज की बात करें तो दिल्ली में आज यानी कि शनिवार को अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली में आज लू चलने का अनुमान है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। वहीं गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 45 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बन रही है और गुरुग्राम में आज मौसम साफ रहेगा। इसी बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के अनुसार शनिवार की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसको AQI भी कहते हैं, खराब श्रेणी में 234 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा का AQI 270 जबकि गुरुग्राम का 278 रिकॉर्ड किया गया है। तो ये था आज के मौसम का हाल। फिलहाल वेदर अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।